सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सब झूठों का छोड़ के साथ कांग्रेस का थामो हाथ, एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। गैस डीजल पेट्रोल के होंगे कम दाम, फसले फिर लहराएंगी, मिलेंगे पूरे दाम। कानून तोड़ने वालों को अपना बख्शा जाएगा, सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पढ़ा लिखा हर नौजवान पाएगा रोजगार, कम करके दिखलाएंगे टैक्स की ये भरमार। देश के दिल से देना है देश को ये पैगाम, बोल वचन नहीं बोलते बोलेगा अब काम। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बीजेपी ने 15 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अब समय आ गया है इस बर्बादी से मुक्ति पाने का। सिंधिया होशंगाबाद में सरताज सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होशंगाबाद जिले की 2 विधानसभा का सघन दौरा करते हुए आम सभाओं को संबोधित किया। होशंगाबाद इटारसी विधानसभा क्षेत्र में सरताज सिंह के पक्ष में स्थानीय जयस्तंभ चौक पर एवं सिवनी मालवा में पुराने बस स्टैंड पर आम सभा को संबोधित कर भाजपा की सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 15 सालों में जो बर्बादी के हालात हुए हैं, अब समय आ गया है कि इस बर्बादी से मुक्ति पाने का। एक एक ठेका भाजपा के नेताओं के नाम पर और जिन ट्रकों के पीछे एक परिवार का नाम लिखा हो, वो चेकिंग के बिना एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाते हैं। सही है कि नहीं? शिवराज सिंह जी चौहान निकले थे नर्मदा सेवा यात्रा के लिए, वो नर्मदा सेवा यात्रा नहीं थी, वो तो नर्मदा सर्वे यात्रा थी, क्योंकि दिन में होता था भ्रमण और रात में होता था आवेदोत्खनन। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 गाजर घोषणाएं की, लेकिन अमल किसी पर नहीं किया गया। इस दौरान नोटबंदी, रेत के अवैध उत्खनन सहित प्रदेश में फैले भाजपा का कुशासन जनता के समक्ष है। इस दौरान सिंधिया ने बेरोजगारी, कालाबाजारी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस जैसे मुद्दों पर जनता का आह्वान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी डीजल पेट्रोल सस्ते। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी मेरी रसोई गैस सस्ती। सुनो जी, अब बिजली बिल होगा कम, क्योंकि बिजली मिलेगी 1 रुपए प्रति यूनिट 100 यूनिट तक। अच्छा, तो फिर हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे अम्मा, अब तो पूरे 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी तुमको। और भैया, आपके लिए भी आने वाला है नया सवेरा, जिसमें मिलेगी निशुल्क जमीन और घर बनाने में 2.5 लाख की सहायता भी। और इतना ही नहीं, आपके परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा और 21,000 रुपए की प्रसूति सहायता भी। और अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा बड़े से बड़े रोगों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज। तो बोलो, हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। जनता की उठी आवाज, कुशासन से
लेंगे राज। भ्रष्टाचार प्रदेश में अब ना चलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। अब कांग्रेस हो, अब कांग्रेस। प्रत्येक महिला को मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन, और प्रदेश की बेटियों के लिए प्राइमरी से पीएचडी तक की शिक्षा होगी निशुल्क। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। व्यापम होगा बंद और मिलेगा कारोबार के लिए आसान कर्ज। किसानों का कर्जा माफ और होगा बिजली बिल हाफ। व्यापारियों को मिलेगी सभी करों पे छूट एवं शुल्क में भी होगी कमी। मालवा से निकली आवाज, बुंदेलखंड ने किया ऐलान। बघेलखंड ललकारा है, निमार ने भी पुकारा है। महाकौशल ने दी आवाज, चंबल ने भी गुहारा है। वक्त बदलने वाला है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।